हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएफडीसी मधुकर। माय नेम इज आशीष मधुकर। आई हैव टोटल 10 इयर्स सेल्फ फॉर सर्टिफाइड एंड 2 इयर्स कपोर। तो आज हम बात करेंगे एनडब्ल्यूसी का न्यू फीचर इज यूआरएल एड्रेसेबल। तो ये जो नेविगेट टू टू अ यूआरएल एड्रेसेबल लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, ये कैसे यूज करेंगे, इसका बेनिफिट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास ऐसा रिक्वायरमेंट आता था कि हमारे पास कुछ बटन्स हैं एलडब्ल्यूसी, हमने कुछ यूआई बनाया है जिसमें क्लाइंट चाहते हैं कि हम जैसे इस बटन पे क्लिक करें तो ये मेरा कंपोनेंट कुछ एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट या ये फंक्शनलिटी पर्टिकुलर न्यू टाइम में ओपन हो जाए। तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ ऐसा फीचर नहीं था, हम करते थे बट कुछ वर्क अराउंड यूज करके उसको ले जाते थे। ठीक है, तो अब हम क्या करते थे कि हम ओरा कंपोनेंट पहले ओरा में अवेलेबल था, तो हम क्या करते थे, लाल डब्ल्यू सी के ओरा में कॉल करते थे, फिर उसको यूज करते थे। तो थोड़ा वो टिपिकल था चीजें हैंडल करना। अब एल डब्ल्यू सी में फंक्शनलिटी आ गया है कि किसी भी एल डब्ल्यू सी कंपोनेंट को कैसे यू आर एलेबल बना सकते हो, ठीक है, और उस कंपोनेंट को कैसे भी किसी भी बटन पे कॉल कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो इसके बारे में पहले बात करते हैं क्या इसका रिलीज है, क्या इसका इम्पैक्ट है और कहाँ कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एजेंडा हमारा वही है, नेविगेट टू द यूआरएल एड्रेसेबल लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। बात करते हैं इसके बारे में क्या है। तो दिस चेंज अप्लाई टू कस्टम लाइटनिंग वेब कंपोनेंट इन लाइटनिंग एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि आप उसको क्लासिक में यूज कर सकते हो। एंड ऑल वर्जन ऑफ द सेल्सफोर्स मोबाइल ऐप, तो जो भी जितने भी वर्जन आए हैं सब पे सपोर्ट करता है। ठीक है, दिस चेंज ऑल्सो अप्लाइज टू लाइटनिंग कंसोल ऐप इन एंटरप्राइज परफॉर्मेंस अनलिमिटेड एंड डेवलपर एडिशन। तो इसके पहले डेवलपर एडिशन में नहीं था, तो जो जब हमारा समर मतलब टेस्टिंग का न्यू स्टार्ट हुआ था समर 24 का, तो उस टाइम पे उसके लिए स्पेशल ऑर्ग बनाना पड़ता था। बट अभी डेवलपर ऑर्ग में मिल गया है, तो आप जनरली इसको डेवलपर ऑर्ग में अपने यूज कर सकते हो, आपको स्पेशल ऑर्ग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने डेवलपर ऑर्ग में ही करोगे। मैं भी देखो अपना एलडब्ल्यू अपना डेवलपर ऑर्ग ही यूज करूंगा लोकल, मतलब जो पहले से यूज करता आ रहा हूँ, कोई नया इसमें इसके लिए स्पेशली मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अब बात करते, दिस चेंज इज नॉट अवेलेबल इन लाइटनिंग एक्सपीरियंस बिल्डर साइट। अभी ये फीचर हमारे लाइटनिंग पे अवेलेबल नहीं है, लाइटनिंग बिल्डर साइट पे, मतलब जो भी हम कम्युनिटी पेज बनाते हैं, जो भी हम साइट बनाते हैं उसके लिए अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इट इज इंटरफेयर्स विद कस्टम डोमेन एंड सीडीएन सपोर्ट। क्योंकि वो क्या होता है कि हम जो इंटरफेयर्स यूज करते हैं, जो कस्टम डोमेन यूज करते हैं, सीडीएन सपोर्ट होता है, उसमें इश्यू आ सकता है। तो हो सकता है फ्यूचर आएगा, पर उसका क्या पॉलिसी है उसके लिए, क्योंकि हम जब इसमें कोई भी अपने न्यू एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट पे कोई वैल्यू भी पास करेंगे तो सारे डेटा यूआरएल में आता है ना, तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको मतलब सेंड करना है, वो आगे सेल्सफोर्स जब न्यू लॉन्च करेंगे तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देन बात करते हैं हाउ टू जनरेट यूआरएल, मतलब अगर आपने कोई एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट बनाया है तो उसको कैसे आप उसको अच्छा यूआरएल में बना सकते हो, उस एलडब्ल्यूसी को मतलब इनेबल ही करना है बेसिकली। तो टू जनरेट यूआरएल फॉर योर लाइटनिंग वेब कंपोनेंट एंड मेक इट अवेलेबल वाया यूआरएल, मतलब उस एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट को बस अवेलेबिलिटी देना है। जैसे हम पहले एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट करते थे ना, उसको एक्सपोज करते थे अपने होम पेज के लिए, रिकॉर्ड पेज के लिए, अपने अदर्स कम्युनिटी पेज के लिए, तो वैसे ही सेम इसका भी एक न्यू टैग बना दिया है सेल्सफोर्स ने, अब उसको अवेलेबिलिटी देना है हमें इस यूआरएल के लिए। ठीक है, इंक्लूड द लाइटनिंग अंडरस्कोर यूआरएल एड्रेसेबल टारगेट इन योर कंपोनेंट्स डॉट जेएस डॉट मेक मेटा एग्जाम्पल। तो जो भी आपका मेटा एग्जाम्पल फाइल है उसके कॉन्फिगरेशन में जाके आपको यूज करना है, तो सेट एक्सपोज टैग को ट्रू करना है और एपीआई वर्जन आपका जो भी है कोई भी चलेगा। तो एग्जांपल के लिए हमें देख लेते हैं अपना मेटा, ये मेरा एक मेटा एग्जाम्पल फाइल है, इसमें मेरा कंपोनेंट बना हुआ है फॉर एग्जांपल, और मैंने इसमें देखो यहाँ पे आप क्या है, यह है मेरा एपीआई वर्जन, तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोज करके यहाँ पे दिया है। ठीक है, एक्सपोज इक्वल टू ट्रू, देन टारगेट्स के अंदर लाइटनिंग अंडरस्कोर यूआरएल एड्रेसेबल। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करेंगे तो डेमो में चलते हैं।
ठीक है, तो हम आ गए अपने LWC कंपोनेंट में, और इसके लिए हम एक अपना LWC कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, तो एक मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, कंपोनेंट का मैं नाम कुछ भी दे देता हूँ। तो मैं देता हूँ कि नेविगेट URL CMP करके, ये मेरा फर्स्ट कंपोनेंट है जिसपे मैं अपना कंपोनेंट को मतलब यहाँ से रिडायरेक्ट करूंगा दूसरे कंपोनेंट पे। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल अपना एक बना लेता हूँ एक लाइटनिंग कार्ड, जिसमें मैं कुछ यहाँ से मैं कुछ अपना पास करूंगा वैल्यू भी, जैसे मुझे उस कंपोनेंट में पास करनी है तो उस कैसे भी पास करेंगे वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया लाइटनिंग टाइटल, यहाँ पे दे दिया मैंने फ्रॉम LWC CMP। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, और इसके अंदर मैं एक इनपुट टैग बना लेता हूँ। तो मैं एक डीप टैग यूज कर लेता हूँ, और डीप के अंदर मैं कुछ क्लास यूज कर लेता हूँ, SLDS क्लास, SLDS-M, और इसको मीडियम ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक अपना लाइटनिंग इनपुट टैग बना लेता हूँ। ठीक है, ये लाइटनिंग मेरा इनपुट टैग, यहाँ पे इसका नेम दे देता हूँ, नेम लेबल दे देता हूँ नेम, और यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ ऑन चेंज, इस पे हम जो वैल्यू रहेगा मेरा उसको मैं होल्ड करूंगा किसी वेरिएबल के अंदर पास करने के लिए। ठीक है, ये मेरा हो गया ऑन चेंज मेथड। ओके, अब मैं इसके अंदर अपना मेथड का नाम देता हूँ हैंडल चेंज। ओके, हैंडल चेंज, ये मेरा गया। ठीक है, देन यहाँ पे एक मैं और बनाता हूँ डी, जिसमें एक बटन बनाऊंगा, उस बटन से मैं उसको नेविगेट करूंगा सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ लाइटनिंग हाइफन बटन, लाइटनिंग हाइफन बटन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका नेम दे देता हूँ, जो भी नेम देना हो मैं देता हूँ नेविगेट। ओके, लेबल दे देता हूँ नेविगेट टू अनादर LWC करके दे दिया। ठीक है, इस बटन क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक मैं बटन बनाता हूँ, अपना मेथड देता हूँ ऑन क्लिक मेथड, जब इस पे मैं क्लिक करूंगा तभी मेरा उसको कॉल करेगा। तो यहाँ पे मैं देता हूँ अपना मेथड का नाम, तो मैं मेथड का नाम ही लिख देता हूँ नेविगेट टू करके। ठीक है, ये मेरा मेथड का नाम, सिंपली इसको बना लिया हमने। अब इस मेथड को बना लेते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, इसकी वैल्यू किसी में स्टोर कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इसको, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं अपना नेम वैल्यू करके, और सिंपली इसमें स्टोर कर दूंगा इवेंट दिस डॉट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके। ठीक है, ये मेरा डेटा हो गया सिंपल। अब मुझे क्या करना है, इसको नेविगेट करना है। तो नेविगेट करने के लिए आपको सिंपली नेविगेशन जो मेरा टैग होता है उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली तो इसको यूज कैसे करोगे, तो जो नेविगेशन टैग होता है मेरा, नेविगेशन टैग यहाँ पे हम उसको इंपोर्ट करते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, टाइप करते हैं इंपोर्ट। ठीक है, सिंपल है, देखो कुछ भी है, आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट लगे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो अपने वीडियो कमेंट डाल के इसमें। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, क्या हमें लेना है, नेविगेशन मिक्सिंग। ठीक है, ये नेविगेशन मिक्सिंग, नेविगेशन मिक्सिंग को यहाँ पे डाल के मैं नेविगेशन मिक्सिंग को इंपोर्ट कर लिया। अब जब नेविगेशन मिक्सिंग को आप इंपोर्ट करते हो तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको नेविगेशन मिक्सिंग यहाँ पे भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक्सटेंड नेविगेशन मिक्सिंग
इसको ब्रैकेट करना डाल दो, ठीक है, वरना आपका ये नेविगेशन मिक्सिंग काम नहीं करेगा। ओके, अब आते हैं नेविगेशन मेथड जो हमने ऑन क्लिक पे बनाया था, ठीक है। तो ए मेथड का नाम दे देते हैं हम, देखो मेरा सजेशन भी आ जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यूज करते हो आइंस्टाइन तो आपको सजेशन भी मिलता है। तो मैं यहाँ पे अगर करता हूँ नेविगेट, तो मुझे यहाँ पे ये मेरा मेथड हो गया, ठीक है। अब इन नेविगेटेड मेथड पे मुझे उसको नेविगेट करने के लिए सिंपली लिखना है दिस, ठीक है। दिस करने के बाद मुझे यहाँ पे यूज करना है उसकी वैल्यू, ओके। चलो उसका सजेशन मैं लेके आगे काम करता हूँ। ओके, ये मेरा आ गया इसमें। अब इसमें क्या करना है आपको, सिंपली दिस डॉट नेविगेशन मिक्सिंग डॉट नेविगेट, ओके। उसके बाद आपको जो ब्रैकेट है उसको बंद करनी है, फिर पैरेंथेसिस और नहीं कर्ली ब्रेसेस, पास आपका जो भी कंपोनेंट है उसका नाम। तो मुझे अभी स्टैंडर्ड कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड कंपोनेंट का नाम दे दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने स्टैंडर्ड कंपोनेंट। देन एट्रीब्यूट्स, जो भी मेरा एट्रीब्यूट्स इसके पास करनी है आपको, वो एट्रीब्यूट के अंदर एक कंपोनेंट का नाम हमें पास करनी है। तो किस कंपोनेंट का नाम पास करनी है, जो मेरा दूसरा भी कंपोनेंट बनाऊंगा मैं उसका नाम यहाँ पास करनी है, ठीक है। और अभी मैं उसको पास करूंगा, उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके नीचे आके इसको क्लोज कर लेते हैं ए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेता हूँ मेरा कोई ए यहाँ पे है, इसकी वैल्यू कहाँ पे पास हो रही है। ए मेरा यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ए यहाँ पे क्लोज हो गया है, तो इसमें से एक मेरा ये वाला एक्स्ट्रा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू, तो नेम डॉट वैल्यू, जो मेरा ये नेम है, ए नेम डॉट वैल्यू को मैंने इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। तो यही वैल्यू पास करनी है। अगर एक प्रॉपर्टी का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, अपने मर्जी से, ये स्पेसिफाइड नहीं कि आपको प्रॉपर्टी वैल्यू दो, जो आपको नाम देना है वो दे दो, प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी टू, थ्री, जो भी देना है। यहाँ पे कंपोनेंट का नाम वही रहेगा जो आप जिस पर आप नेविगेट करोगे। अभी मैंने वो दूसरा कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, मेरा ये मेरा दूसरा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का मैं नाम देता हूँ टू इज, यू आर एल एड्रेसेबल सीएमपी करके, ठीक है, ये मेरा मेन है। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, मेन यहाँ पे आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली इसको इनेबल करना पड़ेगा यू आर एल को यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा नेविगेशन करेंट पेज यहाँ पे मैं यूज करूंगा उसकी वैल्यू लेने के लिए। तो अभी मैं इसको सजेशन में डाला था, इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पे, पहले इसको इनेबल कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, इसको हमें इनेबल करना था, ट्रू करना है इसको। देन आपको सिंपली टारगेट, तो हम टारगेट देखो पहले ऐसे यूज करते थे ये सारे टारगेट्स, अब मुझे ये सब टारगेट नहीं चाहिए, है ना, ये सारे मैं हटा देता हूँ। मुझे क्या चाहिए अभी इसके अंदर, हमें चाहिए इसके अंदर जो हमने अभी यहाँ पे दिखाया था ये वाली, ठीक है। तो क्या करना है, इसको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से अपना नाम, और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, ओके, सिंपली पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, ये मेरा इनेबल हो गया ए, इसको कंपोनेंट को अभी हम छोड़ देते हैं, अभी इनेबल हो गया, तो इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ पहले, ठीक है। ये मेरा देखो ये दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये मेरा कंपोनेंट हो गया, इसको मैंने इनेबल कर दिया, इसकी अब इसका काम खत्म, यहाँ पे बंद करता हूँ, बाकी सब जीएस का काम है तो जीएस में हम देखेंगे, ठीक है। और इसके इस कंपोनेंट में जो मेरा कंपोनेंट का नाम है ए, देखो मेरा कंपोनेंट यहाँ पे जब जेएस में देखते हो तो इसका काम कैपिटल से स्टार्ट होता है, बट हमारा जो ऊपर नाम है स्मॉल से स्टार्ट है, वेल तो स्मॉल से ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे आना है, इसकी वैल्यू हटा देना यहाँ से सिंपली, और इसको स्मॉल में कर दो, ठीक है। ये मेरा हो गया काम, अब ये मेरा कंपोनेंट कॉलिंग के लिए हो गया,
अब हम पहले कॉल करके चेक करते हैं डेमो का कि वर्क कर रहा है कि नहीं, फिर आगे उसकी वैल्यू कैसे गेट करेंगे उसके प्रॉपर्टी से, मतलब उसके यूआरएल से, वो चेक करेंगे। इसको हम एक्सपोज करते हैं अपने वही मतलब होम पेज पे यूज करना है या फिर जहां पे यूज करना है इस कंपोनेंट को वहां पे देख लेते हैं। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट अपना वही रखते हैं, बाय डिफॉल्ट 3 होम और उसके लिए, ठीक है। तो हम इसको अभी मैं होम पे इसको ड्रैग करूंगा, तो ये मेरा नेविगेट यूआरएल वाला कंपोनेंट है, ये मेरा एज एड्रेसेबल वाला कंपोनेंट जिसपे हमने इसको इनेबल किया यूआरएल के लिए, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं अपने सेल्स फोर्स में, तो ये मेरा कंपोनेंट है, हम इसको होम पेज पे यूज कर रहा हूँ मैं। तो आप सिंपली क्या करते हो, मेरा होम पे ऑलरेडी ओपन है, अगर आपको नहीं मिलेगा तो यहाँ पर जाके सिंपली यहाँ से फाइंड कर सकते हो, होम पेज करके आपको होम पेज मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जाओ सेटअप पे, सिंपली एडिट पेज। एडिट पेज करने के बाद आपको क्या करना है, जो कंपोनेंट था मेन मतलब जिस पे आपने उसको कॉल किया है उसको यूज करना है ना। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट का नाम देता हूँ अपना नेविगेट URL CMP, इसको यहाँ पे ड्रैग कर दो ऊपर। तो ये देखो मेरा कंपोनेंट आ गया, सेव करते हैं इसको, आते हैं बैक। और यहाँ पे देखो मेरा शायद मैंने बटन का नाम लेबल नहीं दिया, देखो बटन ऐसा दिख रहा है। तो हम आते हैं अपने कंपोनेंट पे, सॉरी इस पे, और यहाँ पे इसका देखो हमने बटन नेविगेट लेबल 2 दिया है, बट हमारा इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएंट नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं वेरिएंट, वेरिएंट दे देते हैं हम ब्रांड करके सिंपली, और देन इसको डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे लेबल नेम गलत भी हो गया है इसीलिए वो आ भी नहीं रहा था वहां पे, है ना। तो इसको डिप्लॉय कर दें दोबारा। तो ये सब चीज का ध्यान देना है, जैसे कोई चीज आपको नहीं दिख रहा है तो हो सकता है कि टाइपिंग इश्यू हो गया है, लेबल का नाम सही नहीं दिया है, तो वो सब टाइपिंग में इशू हो जाता है, तो आप उसको डिबग करके चेक कर सकते हो। जैसे अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरा ये बटन आने लगेगा, है ना। तो मेरा देखो बटन यहाँ पे अब आने लगा, ओके, ये मेरा बटन है। अब इस पे हमें किस पे जाना है, उस कंपोनेंट पे। ये मेरा कंपोनेंट देखो, देखो अभी इसका होम यूआरएल कैसे दिख रहा है इसके, तो वो मेरा हमने यूआरएल के लिए उसको इनेबल किया, तो यूआरएल पे ही उसकी कंपोनेंट देखो कैसे आएगा। अब यहाँ पे मैं वैल्यू टाइप करता हूँ, मान लो मेरा नेम कर दिया है सेल्स पोस्ट करके, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया बटन पे, तो देखो यहाँ पे दिस पेज इज नॉट अवेलेबल, बट यहाँ पे देखो कंपोनेंट का नाम, जो मैंने कंपोनेंट का नाम दिया था, और देखो वैल्यू जो हमने पास किया अभी, जो हमने टाइप किया था वहां पे प्रॉपर्टी वैल्यू सेल्स फोर्स, ये मेरा कंपोनेंट है, ठीक है। अभी हमने इस पे कुछ काम नहीं किया, मतलब कोई कंपोनेंट एचटीएमएल नहीं लिखा इसलिए दिखा रहा है ना, बट देखो यूआरएल आपके अंदर आ रहा है, अब आपको कंपोनेंट का नाम भी आ रहा है इसके अंदर। अब चलते हैं उस पे अपने इस वाले कंपोनेंट पे, ये हमारे यहाँ से अपडेट आ रहा है इस कंपोनेंट पे। अब आते हैं इसके जीएस में, तो इस जीएस में जो भी आपका कोई भी कंपोनेंट पेज है, जो एलडब्ल्यूसी का कंपोनेंट पेज है, अगर उसकी करंट पेज का यूआरएल जो होता है, पेज का यूआरएल का डेटा लेना है, तो उसके लिए हमें करंट पेज यूआरएल यूज करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक रिपो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है, सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट। यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या देना है, करंट पेज रेफरेंस। तो हम यहाँ देखते हैं करंट पेज रेफरेंस, ठीक है, करंट पेज रेफरेंस किससे, फ्रॉम लाइटनिंग नेविगेशन। जो हमारा करंट पेज है वो भी लाइटनिंग नेविगेशन का ही है। अब हमें लाइटनिंग नेविगेशन यूज किस में करना है, करंट पेज, जब देखो हम इसको किस में यूज करेंगे, आप कनेक्टेड कॉल बैक में भी यूज कर सकते हो, बट आप अगर इसमें यूज करते हो तो क्या होता है, जैसे जब भी आपका कंपोनेंट कॉल होता है तो वायर कनेक्टेड कॉल बैक से पहले जल्दी कॉल होता है, मतलब मैंने ये नोटिस किया है, ठीक है। तो आप इसलिए वायर के अंदर यूज करो आप, क्योंकि अगर वायर के अंदर यूज करोगे तो आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू पास के यूज कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको वायर को इम्पोर्ट कर लेते हैं अपने लाइटनिंग में, देन अभी जो मेरा कंपोनेंट है इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। ये जो पेज हमने इसको यहाँ पर इंपोर्ट किया, इसका नाम वायर के अंदर, देन ये मेरा वेरिएबल नेम, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये वाला
मतलब ये वाला तो सेम देना है जो आपने ऊपर लिया है, ये वाला आप अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने गेट मेथड बनाया था, ठीक है। गेट मेथड का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ आपको, जो जो देना है वो दे दो। गेट देन मेथड का नाम देन रिटर्न दिस एक करेंट पेज, करेंट पेज डॉट स्टेट, स्टेट डॉट प्रॉपर्टी के वैल्यू का नाम। ये नाम कौन सा है जो यहाँ आप इस कंपोनेंट से वैल्यू डेटा पास कर रहे थे, ये वाला का नाम। आप इसे मल्टीपल भी पास कर सकते हो, दो पास कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कॉमा दे के नीचे का दूसरा नाम तो उसके दूसरे वाले पर, स्टेट के अंदर मल्टीपल डेटा पास कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो अभी हम मेक पे चलते हैं, इस बात पे देखते हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया कंपोनेंट, इसकी वैल्यू। अब ये मेथड जो नेम है वैल्यू, हम यहाँ पे HTML में कुछ भी नहीं बना है, तो हम यहाँ पे लाइटनिंग कार्ड बना लेते हैं, हाइफन कार्ड टाइटल यहाँ पे दे देते हैं मेरा टू, या फिर सीधे URL एड्रेसेबल कंपोनेंट, सिंपल, ठीक है। इसको यहाँ पे ड्रैग कर, ये मेरा फाइनल। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ भी देना है, वैल्यू का नाम देना है, इनपुट यूज करना है, मतलब तो आप यूज कर लो, या फिर मैं क्या करता हूँ सिंपली इसके डिबग के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू दिखा देता हूँ। ये मेरा मेथड का नाम, जो आप गेट मेथड क्या होता है जिसे वेरिएबल कॉल करते हैं, सिंपली डायरेक्टली उस गेट मेथड का नाम आप यहाँ पे पास कर लोगे, तो जब भी वैल्यू चेंज होगा ऑटोमेटिक यहाँ से गेट कर लेगा आपके जीएस से, ठीक है। चलो इसको डिप्लॉय करते हैं हम। अब चेक करते हैं कि क्या मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो तो हमारे पास वैल्यू है, अगर मैं सिर्फ पेज को रिफ्रेश भी करूंगा तब भी मेरा ये वैल्यू ऑटोमेटिक शो कर देगा। देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा तो भी यहाँ पे वैल्यू आकर दिखा देगा कि मेरे यूआरएल में भी वैल्यू है, वो चेंज नहीं हुआ है। रिफ्रेश कर लेते हैं हार्ड एक बार, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है अभी, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं URL JS के अंदर, दिस द करेंट, दिस द करेंट प्रॉपर्टी वैल्यू, URL नेम, लाइटनिंग कार्ड, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा इसको डिप्लॉय कर लेता हूँ, उसको हम वहां से ले आते हैं, ठीक है। नेविगेट करके आते हैं अपने होम पेज पे और इसको कर लेते हैं हार्ड रिफ्रेश, और यहाँ से हम चेक कर लेते हैं डेमो LWC वैल्यू और नेविगेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा कंपोनेंट दिख तो रहा है लेकिन उसकी वैल्यू अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे इसमें वैल्यू प्रॉपर्टी नेम यहाँ पे मतलब मेरा HTML ही दिख नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा कुछ इसका इश्यू होगा बेसिकली, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे वायर, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेरा वैल्यू है यहाँ पे दिस डॉट करेंट डॉट URL नेम, प्रॉपर्टी नेम वैल्यू मेरी सेम ही है यहाँ पे वैसे, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू करंट, ठीक है। आते हैं इसमें देखते हैं मेरा HTML पे क्या दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ये मेरा HTML है लाइटनिंग कार्ड टाइटल डिव दिस अराउंड एंड URL नेम, ओके। इसमें ऐसा कुछ तो इश्यू नहीं दिख रहा है, तो एक बार हम क्या करते हैं ना इसको कैश अपना यहाँ से देखें, इसको हम कैश को उसको चेंज कर देते हैं यहाँ से, इसके राइट क्लिक करके यहाँ से इम्पर्टी कैश एंड हार्ड रीलोड कर दो। तो कभी कभी क्या होता है कंपोनेंट तो हमारा हो जाता है उस पर बट वो शो नहीं करता है, तो आप उसको कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डाल दिया सेल्स फोर्स एंड देन
हाँ देखो आप, तो क्या होता है कैश की वजह से नहीं आ रहा था। अब देखो मेरा एक कंपोनेंट आ गया, इसमें सेल्स फोर्स की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे सेल्स फोर्स इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू, तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो। सेम ही फीचर आपका कंसोल ऐप में भी काम करता है। अगर आप कंसोल ऐप यूज करते हो तो कंसोल ऐप के अंदर भी ये वर्क करता है, बट उसके लिए हम डायरेक्टली भी चेक कर लेता हूँ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन एक सर्विस कंसोल के लिए अभी न्यू फीचर आया है वर्क स्पेस एपीआई, मैं उसके बारे में बात करूंगा जरूर, ठीक है? क्योंकि उसके लिए अगर इसमें मैं वर्क कर लेता हूँ, अगर काम करेगा ठीक नहीं, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या करें, न्यू टैब ओपन हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार वर्क कर रहा है कि नहीं, वर्क कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? तो वर्क स्पेस एपीआई का भी एक अलग न्यू फीचर आया है, तो उसके वीडियो बारे में नया बात करें। देखो क्या होता है, मगर मेरा वो सेल्स ऐप था तो वो डायरेक्टली न्यू टैब ओपन कर रहा था, और यहाँ पे कंसोल में भी हमने बताया ना, कंसोल में भी आपको सपोर्ट करता है, तो न्यू यहाँ पे टैब ओपन करते हैं चालू पर। तो ये आपका यू आर एड्रेसेबल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ इन्फॉर्मेटिव है ये। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई नो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना आप फ्री है, बट ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इट्स मीन्स अ लॉट। तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नए वीडियो में दिन नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thank you.